मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश सरकार के 4 साल पूरा होने पर जनता को बधाई देते हुए कहा कि बीते 4 वर्षों में राष्ट्रीय पटल पर एक नया सक्षम और समर्थ उत्तर प्रदेश उभर कर आया है। 4 वर्ष पहले तक देश की सबसे बड़ी आबादी होने के बाद भी बीमारू की छवि के साथ देश में 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था होने का दंश झेलने वाला यूपी आज लगातार प्रयासों से 2रे नंबर की अर्थव्यवस्था बनकर सामने आया है। उन्होंने कहा कि इस नए उत्तर प्रदेश में 4 साल में 4 लाख युवाओं को ईमानदारी से सरकारी नौकरी मिली तो यहाँ महिलाएं सुरक्षित, सम्मानित और स्वावलंबन की मिसाल बन रही हैं। यहाँ आस्था का सम्मान है तो माफिया और अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। यह नया उत्तर प्रदेश निवेशकों की पहली पसंद है तो पर्यटकों के मन की चाह भी है। प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन में प्रदेश सरकार ने पूर्ववर्ती व्यवस्था में रिफॉर्म करके परफॉर्म करते हुए और ट्रांसफॉर्म किया है। प्रदेश सरकार के 4 साल पूरा होने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कहा कि जो कई दशकों में न हो पाया वह 4 वर्ष में कर दिखाया कि पुस्तक का विमोचन किया। वहीं गोरखपुर में एनएक्सी भवन के हाल में उपस्थित प्रदेश सरकार के समाज कल्याण मंत्री रमापति शास्त्री, सदर सांसद रवि किशन सहित जनप्रतिनिधियों ने भी पुस्तक का विमोचन किया। इस अवसर पर सदर सांसद रवि किशन, महिला आयोग की सदस्य निर्मला द्विवेदी, नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल, विधायक विपिन सिंह, विमलेश पासवान, संगीता यादव, शीतल पांडे, संत प्रसाद, महन पाल सिंह, क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह, जिला अध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता, मंडलायुक्त जयंत नालिकर, जिलाधिकारी के विजयन पांडियन, सीडीओ इंद्रजीत सिंह सहित अन्य लोग मौजूद रहे। सरकार ने दिया है
रोजगार देने की व्यवस्था। मित्रों, आज की इस विशेष प्रेस वार्ता में मैं अपने सहयोगियों उप मुख्यमंत्री द्वय श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, डॉक्टर दिनेश शर्मा जी, संगठन के प्रदेश के अध्यक्ष माननीय श्री स्वतंत्र देव सिंह जी, प्रदेश के हमारे वरिष्ठ मंत्री वित्त, चिकित्सा शिक्षा और संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी की ओर से, अपनी इस पूरी टीम की ओर से आप सबका हृदय से स्वागत करता हूं। पूरे प्रदेश वासियों को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, उनके निर्देशन में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म के इस मंत्र का एक मूर्त रूप उत्तर प्रदेश को देने के लिए, उत्तर प्रदेश में हुए व्यापक परिवर्तन के लिए उत्तर प्रदेश के 24 करोड़ जनता का अभिनंदन करते हुए उन्हें हृदय से बधाई देता हूं। मुझे हार्दिक संतुष्टि की अनुभूति है कि उत्तर प्रदेश में ठीक आज ही के दिन 4 वर्ष पहले भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार के सामने उत्तर प्रदेश का दायित्व हमारी सरकार ने संभाला था और पिछले 4 वर्षों के दौरान आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष और राज्य के गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी, भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश संगठन के पदाधिकारियों और मंत्रिमंडल के अपने सभी सहयोगियों की मदद से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर जो परिवर्तन किया है, आज मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि इस परिवर्तन ने उत्तर प्रदेश को एक नई पहचान दी है। आज उत्तर प्रदेश बीमारू राज्य की श्रेणी से उभर करके देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरा है। जिस उत्तर प्रदेश की आबादी सर्वाधिक थी, लेकिन जब अर्थव्यवस्था की बात आती थी या प्रदेश में निवेश की संभावनाओं की बात आती थी, निवेश अनुकूल वातावरण से जुड़े हुए मुद्दों की बात आती थी या उत्तर प्रदेश के प्रति व्यक्ति आय की बात आती थी, तो इसमें हम लोग प्रथम 3 स्थानों में कहीं नहीं टिकते थे। यही नहीं, प्रदेश के अंदर बेरोजगारी की दर, आबादी अधिक थी तो बेरोजगारी की दर भी उतनी ही अधिक होगी। लेकिन मुझे बताते हुए प्रसन्नता की अनुभूति है कि आज उत्तर प्रदेश निवेश अनुकूल वातावरण बनाने में पूरी तरह सफल रहा। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में, यानी व्यवसाय की सुगमता में आज उत्तर प्रदेश देश के अंदर 15-16 में जो रैंकिंग हमारी 14वें स्थान की थी, आज वह 2रे स्थान पर है। देश की 2015-16 में उत्तर प्रदेश की जो अर्थव्यवस्था 5वें-6ठे स्थान पर थी, आज वह 2री अर्थव्यवस्था के रूप में देश में उभरा है और प्रति व्यक्ति आय भी उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने इस दौरान जो प्रयास प्रारंभ किए, रोजगार की व्यापक संभावनाओं को आगे बढ़ाया है। प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, लोक कल्याण के लिए, एमएसएमई या एग्रीकल्चर के फील्ड में जो कार्य हुए हैं, इसके बहुत सार्थक परिणाम सामने आए हैं और इसका परिणाम है कि आज प्रति व्यक्ति आय भी दुगने से अधिक उत्तर प्रदेश के अंदर मात्र 4 वर्ष के अंदर देखने को मिली है। ये जो यात्रा है 4 वर्षों की, यह उत्तर प्रदेश के
ओवरऑल परसेप्शन को बदल करके उत्तर प्रदेश के बारे में देश और दुनिया के सामने एक सकारात्मक माहौल देखने को मिला है। इस सकारात्मक माहौल को बनाने में आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, मेरी टीम के सभी सहयोगियों के परिश्रम और प्रदेश की जनता ने जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर के जो फील्ड में रहकर के प्रशासनिक टीम के साथ मिलकर के कार्य किया है, एक टीम वर्क जो हर एक क्षेत्र में देखने को करने को प्राप्त हुए हैं, आज उसका परिणाम है कि उत्तर प्रदेश देश के अंदर नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के रूप में उभरा है। मित्रों, ये वही उत्तर प्रदेश है जिस उत्तर प्रदेश में आज से 4 वर्ष पहले तक केंद्र की किसी भी योजना में उसका कहीं कोई स्थान नहीं होता था। ये सभी योजनाएं आम नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारक बननी है, उस समय भी बन सकती थी। याद करिए 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण किया था और उसके उपरांत एक एक करके जो योजनाएं देश के अंदर लागू हुई, उन योजनाओं को समयबद्ध ढंग से तत्कालीन सरकार ईमानदारी के साथ उत्तर प्रदेश के अंदर लागू करती, बहुत बड़ा परिवर्तन उस समय किया जा सकता था। सरकारों ने रुचि नहीं ली या उससे पहले उस प्रकार की सोच नहीं थी। केंद्र सरकार के साथ मिलकर के राज्य ने जो उपलब्धियां हासिल की, उसका परिणाम है कि आज हम लोग प्रधानमंत्री आवास योजना में देश के अंदर, चाहे वह ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र की, प्रधानमंत्री आवास योजना में उत्तर प्रदेश नंबर एक स्थान पर है। स्वच्छ भारत मिशन जो देश के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा एक अभियान था, जिसने प्रत्येक नागरिक के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के साथ ही नारी गरिमा का भी जो प्रतीक बना, इसने व्यापक परिवर्तन का कारण, सबसे बड़ी चुनौती इस मार्ग में उत्तर प्रदेश था। उत्तर प्रदेश ने 2017 से जो कार्य प्रारंभ किया, 2,61,00,000 से अधिक शौचालयों का निर्माण करके देश के अंदर प्रथम स्थान भी प्राप्त किया। केंद्र सरकार की वे सभी योजनाएं, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री सौभाग्य योजना, प्रधानमंत्री उजाला योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान की योजना, यानी इससे जुड़ी हुई जितनी भी योजनाएं थी, इन सभी योजनाओं में उत्तर प्रदेश जहां पहले बहुत पीछे हुआ करता था, किसी में 23वें नंबर पर, किसी में 27वें नंबर पर, आज उन सब में उत्तर प्रदेश अपनी एक बेहतरीन कार्य पद्धति के कारण पहले स्थान पर है। तो खाद्यान्न उत्पादन में भी उत्तर प्रदेश ने इस दौरान बेहतर प्रदर्शन किया है। हम लोगों ने इस दौरान प्रदेश के अंदर किसानों के हितों के लिए जो कार्य प्रारंभ किए, हम सब जानते हैं कि देश के अंदर किसान राजनीति के एजेंडे का हिस्सा ईमानदारी के साथ 2014 के बाद बना, जब सॉयल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई की योजना जैसी योजनाएं लागू हुई। लेकिन लागत का 1.5 गुना MSP किसान को मिले, ये 2018 में प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसे देश के अंदर लागू किया। उत्तर प्रदेश में 2017 में हम लोगों ने प्रोक्योरमेंट की पॉलिसी लागू की, रिकॉर्ड मात्रा में खाद्यान्न का क्रय हमने सरकारी क्रय केंद्रों के माध्यम से करना प्रारंभ किया। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि DBT के माध्यम से केवल खाद्यान्न का 66,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि किसान के खाते में देने का कार्य इस दौरान सरकार ने किया। गन्ना किसानों के जीवन में कितना परिवर्तन हो सकता है, ये वही प्रदेश है जो कभी गन्ना उत्पादन में नंबर एक पर था, लेकिन बीच के कालखंड में चीनी मिलों को अपने स्वार्थ के लिए बंद करना, औने पौने दाम पर बेचने की जो प्रक्रिया प्रारंभ हुई, गन्ना किसानों का 8-8, 10-10 वर्षों से गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं हो पा रहा था, राज्य सरकार ने 2017 में जो कार्य पद्धति आगे बढ़ाई, उसका परिणाम है
कि पिछले 4 वर्ष के दौरान हमारी सरकार 1,27,000 करोड़ रुपए से अधिक का गन्ना मूल्य का भुगतान करने में सफल रही और कोरोना कालखंड के दौरान भी हम लोगों ने सभी 119 चीनी मिलों का सफलतापूर्वक संचालन प्रदेश के अंदर किया। ये वे कार्य हैं जिसके माध्यम से प्रदेश सरकार व्यापक परिवर्तन करने में प्रदेश के अंदर सफल रही और उसका परिणाम हरेक क्षेत्र में देखने को प्राप्त हुआ। प्रदेश के अंदर चाहे वह ई प्रोसिक्यूशन प्रणाली में प्रदेश ने देश के अंदर प्रथम स्थान प्राप्त करने का रहा हो या फिर अन्य हरेक फील्ड में वे व्यापक परिवर्तन करके दिखाए हैं। प्रदेश के अंदर पिछले 4 वर्षों के हमारी उपलब्धियों में यह भी है कि पिछले 4 वर्ष के दौरान ये वही उत्तर प्रदेश है जिसमें कोई पर्व और त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से नहीं मनाया जा सकता था। आज मैं इस बात को बड़े हर्ष और गौरव के साथ कह सकता हूं कि विगत 4 वर्ष में सभी पर्व और त्योहार बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदेश के अंदर संपन्न हुए और यही नहीं 4 वर्ष में प्रदेश के अंदर कोई दंगा भी नहीं हुआ, बल्कि प्रदेश सरकार ने पेशेवर अपराधी और माफियाओं के खिलाफ, प्रदेश में शांति भंग करने वाले तत्वों के खिलाफ जो कार्रवाई की वो देश के अंदर एक मानक भी बने और उसके परिणाम देश के अंदर भी और हरेक तबके ने उसको बहुत सकारात्मक भाव के साथ लिया और आज उसका परिणाम है कि प्रदेश के बारे में लोगों के मन में एक धारणा बदली। आज प्रदेश व्यापक निवेश की उन संभावना का एक सबसे अच्छे गंतव्य के रूप में बना है जहां पर पहले कोई आना नहीं चाहता था, असुरक्षा का भाव था, दंगों के कारण संपत्ति की क्षति का भय होता था। आज उसे इस बात का भय नहीं है। आज हरेक देश और दुनिया का निवेशक का पहला निवेश का सबसे अच्छा गंतव्य कोई दिखाई देता है तो उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश उसका सबसे अच्छा गंतव्य है। पुलिस रिफॉर्म के मामले में भी हम लोगों ने इस दौरान अच्छे काम किए। वर्षों से जो मांग होती थी पुलिस कमिश्नरी सिस्टम की, वह हम लोग प्रदेश के अंदर लागू करने में सफल हुए। प्रदेश की राजधानी लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम से जुड़ा है। पुलिस के अंदर रिफॉर्म की अन्य जो प्रक्रिया होनी थी या वहां पर पुलिस कर्मियों के लिए बुनियादी सुविधाओं के लिए, चाहे वह पुलिस लाइन में पुलिस बैरक की स्थापना या पीएसी के जर्जर आवासों के स्थान पर उनको अच्छे आवासीय बैरक के निर्माण की कार्रवाई हो, पुलिस थानों में बुनियादी सुविधाओं की आवश्यकता का हो, ये कार्य सफलतापूर्वक संपन्न किए गए। हर एक थाने में 1535 थाने, 350 तहसीलों में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना करने के साथ ही प्रदेश के अंदर यह भी प्रयास प्रारंभ किए गए कि जो जर्जर थाने थे वहां पे नए भवनों का निर्माण हो। जिनका क्षेत्रफल ज्यादा था इस दौरान हम लोगों ने कुछ नए थानों की स्थापना भी प्रदेश के अंदर 59 नए थाने, 29 नई चौकियां, 4 नए महिला थाना, आर्थिक अपराध शाखा के 4 थाने, विजिलेंस के 10 थाने, साइबर क्राइम के 16 थाने और फायर टेंडर के 59 यानी 59 नए केंद्रों की स्थापना भी प्रदेश के अंदर इस दौरान करने में हमें सफलता प्राप्त हुई। अपराध की प्रकृति बदलने के साथ ही प्रदेश के अंदर उस दिशा में नए प्रयास भी प्रारंभ हुए। खासतौर पर 18 जो हमारे रेंज हैं, इन सभी 18 रेंज में नई विधि विज्ञान प्रयोगशालाओं की स्थापना की कार्रवाई को भी प्रदेश सरकार ने तेजी के साथ आगे बढ़ाने का कार्य किया और जो एक प्रदेश के अंदर जीरो टॉलरेंस की नीति अपराध और अपराधियों के प्रति प्रदेश सरकार की रही है उसका परिणाम रहा है कि 16-17 की तुलना में अगर हम प्रदेश के अंदर कानून व्यवस्था से उसकी तुलना करें या सुरक्षा के मामले में देखें तो डकैती में 65.72%, लूट में 66.15%, हत्या में 19.80%, बलवा में 40.20%, बलात्कार की घटनाओं में 45.43% की कमी भी देखने को मिली है। प्रदेश ने इस दौरान तमाम अन्य कार्यक्रम महिला सुरक्षा के बारे में जो मैंने पहले हेल्प महिला हेल्प डेस्क की बात की, इसके अलावा 18
जो हमारे पुलिस परिक्षेत्रीय कार्यालय हैं वहां पर महिला साइबर क्राइम सेल की स्थापना, 18 परिक्षेत्र जनपदों में थाने के समकक्ष एक एक महिला पुलिस चौकी परामर्श केंद्रों की स्थापना भी इस दौरान यहां पर संपन्न की गई। प्रदेश के अंदर कृषि विज्ञान केंद्र, किसानों को आधुनिक तकनीक के साथ जोड़ने के लिए 20 नए कृषि विज्ञान केंद्रों की स्थापना प्रदेश के अंदर इस दौरान स्थापित की गई। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के माध्यम से प्रदेश के अंदर वर्षों से लंबित, यानी दशकों से लंबित जो कृषि की सिंचाई की परियोजनाएं थी, बाणसागर की परियोजना 4.5 दशक से लंबित पड़ी हुई थी, सरकार आने के बाद इस प्रकार की इन सभी परियोजनाओं को पूरा किया गया। 11 सिंचाई की परियोजनाएं अब तक प्रदेश के अंदर जो दशकों से वर्षों से लंबित पड़ी हुई थी उन्हें पूरा करने में हमें सफलता प्राप्त हुई, जिसके कारण प्रदेश के अंदर 2.21 लाख हेक्टेयर अतिरिक्त सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हुई और 2,35,000 से अधिक किसान इससे लाभान्वित हुए। इस वर्ष के अंत तक हम लोग लगभग 9 अन्य सिंचाई की परियोजनाओं को पूरा करने के लक्ष्य के साथ कार्य कर रहे हैं, जो प्रदेश के अंदर लगभग 16.5 लाख हेक्टेयर भूमि को अतिरिक्त सिंचन की सुविधा जिसके माध्यम से प्राप्त होने जा रही है और इसके माध्यम से 40,48,000 से अधिक किसान परिवार सीधे सीधे लाभान्वित होने जा रहे हैं। प्रदेश के अंदर किसानों के हितों के लिए इस दौरान अन्य अनेक कदम उठाए गए, खासतौर पर जहां पर उन्हें लाइसेंस फ्री व्यवस्था देने की आवश्यकता थी, खांडसारी उद्योग में लाइसेंस की स्वीकृति की प्रक्रिया को सरलीकरण करने और उसे निःशुल्क लाइसेंस उपलब्ध कराने की कार्रवाई की। 267 नए ऐसे लाइसेंस इस दौरान उपलब्ध करवाए गए, 220 नई जो मंडी स्थल निर्मित करने के कार्य हुए, 27 मंडियों के आधुनिकीकरण की कार्रवाई इस दौरान हुई, 291 ई नाम मंडी की स्थापना के साथ 87 लाख किसानों और 84,000 व्यवसायियों को इसके साथ जोड़ने में हमें सफलता भी प्राप्त हुई और साथ साथ मंडी शुल्क को भी 1% कम करने के का कार्य भी इस दौरान किसानों के हित को ध्यान में रख करके और प्रदेश के हित को ध्यान में रख करके प्रदेश सरकार ने यहां पर किया। देश की अर्थव्यवस्था का आधार हमारा ग्रामीण भारत है, लेकिन ग्रामीण भारत की जनजीवन की स्थिति क्या है? आखिर यहां पर आप बैठे हुए सभी महानुभावों से मैं बहुत उसके साथ कहना चाहूंगा कि यह देश 1947 में आजाद हुआ, 2017 में जब प्रदेश के अंदर हमारी सरकार आई थी तब प्रदेश में कई दर्जन गांव ऐसे थे जिन्होंने आजादी के बाद शासन की किसी भी सुविधा का उपभोग नहीं किया था, न वहां सड़क थी, न बिजली थी, न पानी था, न स्कूल की सुविधा थी, न स्वास्थ्य की सुविधा थी, यहां तक कि उन लोगों को वोटिंग का राइट भी नहीं था। देश की संसद के द्वारा कानून पास किए जाने के बावजूद राज्य सरकार की इच्छा शक्ति का अभाव उन लोगों को शासकीय सुविधा से वंचित किए देती, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर वन्य गांवों को राजस्व गांव के रूप में बदलने, शासन की सभी प्रकार की बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने में हमें सफलता प्राप्त हुई, मुसहर गांवों में बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने, अनुसूचित जनजाति के थारू कोल बाहुल्य गांवों में भी सुविधाएं उपलब्ध कराने का कार्य और आवश्यकता पड़ी, क्योंकि SECC के सर्वे में पहले इन लोगों को आच्छादित नहीं किया गया था, 2011-12 के सर्वे में इन लोगों को उपेक्षित छोड़ दिया गया था, हमारी सरकार ने इन्हें विभिन्न योजनाओं से आच्छादित करने के साथ ही वहां पर आवासीय सुविधा के लिए मुख्यमंत्री आवास योजना लागू की, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि सभी मुसहर गांव, सभी बन्य गांव, बनटांगिया गांव इन सुविधाओं से आच्छादित हो चुके हैं और प्रदेश सरकार ने नई योजना के अंतर्गत थारू कोल और
सहरिया जैसी जातियों को भी अब इससे कवर करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य किया। इस दौरान हम लोगों ने मुख्यमंत्री आवास योजना के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास योजना के अतिरिक्त जो आवास उपलब्ध कराए गए मुसहर जाति के 38,112, पंटांगिया गांव के 4,779, कुष्ठ रोगियों को 2,115 आवास उपलब्ध कराने में हम लोगों को इस दौरान मदद मिली और इन योजनाओं ने इनके जीवन में व्यापक परिवर्तन का कार्य भी किया। ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में कनेक्टिविटी का एक बड़ा योगदान है और प्रदेश के अंदर भी। आप याद करिए, जब 2017 में प्रदेश के अंदर सरकार आई थी तब प्रदेश के अंदर दो बातें बहुत साफ चलती थी, एक सड़क कनेक्टिविटी को लेकर के और दूसरा बिजली को लेकर के। ये मान्यता थी कि अगल बगल के सभी राज्यों में शाम के बाद बिजली चलती थी और जहां से अंधेरा शुरू होता था लोग मानते थे उत्तर प्रदेश की सीमा शुरू हो गई है। आज मैं कह सकता हूं उत्तर प्रदेश के अंदर विद्युत व्यवस्था को बेहतर करने में और बिना भेदभाव के शासन की योजना बिना भेदभाव के प्रत्येक नागरिक को मिलनी चाहिए और यह कार्य प्रदेश सरकार ने इस दौरान किया। हर जिला मुख्यालय को 24 घंटे, हर तहसील मुख्यालयों को 20 से 22 घंटे और ग्रामीण क्षेत्र में 16 से 18 घंटे की विद्युत की आपूर्ति करने के साथ ही 1,21,000 गांवों तक बिजली पहुंचाने का काम, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर, नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया गया और 1,38,00,000 ग्रामीण परिवारों को निःशुल्क विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाने में सरकार ने जहां सफलता प्राप्त की, वहीं साथ ही साथ इस दौरान कनेक्टिविटी को बेहतर किया गया। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी, प्रदेश की सीमा नेपाल राष्ट्र से भी जुड़ी हुई है, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तराखंड और दिल्ली राज्यों से भी जुड़ी हुई है। इंटर स्टेट कनेक्टिविटी को भी बेहतर करने, 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने, हर जिला मुख्यालय को 4 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ने, तहसील और विकास खंड मुख्यालयों को 2 लेन के साथ जोड़ने और ग्रामीण क्षेत्रों की सड़कों की भी सुदृढ़ीकरण का कार्य सफलतापूर्वक इस दौरान प्रदेश के अंदर करने में सफलता प्राप्त हुई। प्रदेश के अंदर वे क्षेत्र जहां पर जनवरी के बाद से पेयजल का संकट खड़ा होता था, खासतौर पर बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से हम लोगों ने बुंदेलखंड में जल जीवन मिशन के अंतर्गत वहां पर हर घर नल की योजना लागू कर दी है और इस वर्ष के अंत तक प्रयास है कि ज्यादातर गांवों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति होती भी दिखाई देगी। यानी ये एक व्यापक परिवर्तन के कारण है, हमने खेत को भी पानी दिया, हर घर को भी शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के साथ जोड़ने का कार्य किया जा रहा है और यह बुंदेलखंड क्षेत्र के साथ एक बुंदेलखंड और बिंद क्षेत्र में यह कार्य जहां प्रारंभ हो चुका है, वहीं प्रदेश के 30,000 अन्य राजस्व गांवों के लिए भी जल जीवन मिशन के अंतर्गत शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए डीपीआर की कार्रवाई अंतिम चरणों में चल रही है और बहुत शीघ्र इन 30,000 गांवों के लिए भी पेयजल की आपूर्ति की कार्रवाई जल जीवन मिशन के अंतर्गत लागू करने का कार्य प्रदेश सरकार करने जा रही है। ये केवल पेयजल की स्कीम लगाना नहीं, 10 वर्षों तक वहां पर इस योजना को सफलतापूर्वक संचालन करने की जिम्मेदारी भी उस कार्यदायी संस्था को निभाना है जो कार्यदायी संस्था इस स्कीम को वहां पर लागू करेगी और यह कार्य यहां पर हम लोग प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक लागू किए हैं। प्रदेश के अंदर निराश्रित 2 आश्रय स्थलों के लिए भी प्रदेश सरकार ने व्यापक कार्य योजना बनाकर उसे लागू किया। मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोगों ने इस संबंध में 3 स्कीम पहले से ही लागू की है, जिसमें निराश्रित 2 आश्रय स्थल जो प्रदेश सरकार के द्वारा संचालित ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में संचालित हो रही है, जिसमें 5.5 लाख से अधिक गोवंश हमारे पास पहले से निराश्रित गौ आश्रय स्थलों में है। दूसरी स्कीम हमारी इसमें है जिसमें सहभागिता योजना के अंतर्गत अगर कोई किसान अपने घर में एक एयरटेक किए हुए गोवंश को रखता है तो उस गोवंश को हम एक किसान परिवार को 4 अधिक से अधिक 4 गोवंश तक उपलब्ध कराते हैं, तो वह किसान परिवार को हम लोग
₹900 प्रति गौवंश हर महीने भी उपलब्ध करवाते हैं। हर महीने इसका भौतिक सत्यापन भी होता है। लगभग 80,000 गौवंश इस प्रकार से किसान परिवारों को उपलब्ध कराए गए हैं। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि निराश्रित गौ आश्रय स्थलों से प्रदेश सरकार ने उन परिवारों को, जो कुपोषित परिवार हैं, उन कुपोषित परिवारों को एक एक दूध देने वाली गाय भी उपलब्ध कराया, जिसमें गाय के साथ साथ ₹900 प्रति माह उन कुपोषित परिवारों को देने की योजना भी प्रदेश के अंदर लागू की गई है। और बहुत सारे कुपोषित परिवार इस योजना का लाभ ले रहे हैं, जिसमें गाय के साथ साथ ₹900 प्रति माह उस परिवार को उस सेवा के बदले मिलने हैं। सरकार ने यह भी निर्णय लिया है कि वह हर न्याय पंचायत स्तर पर निराश्रित गौ आश्रय स्थलों की स्थापना के कार्य को युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाएगी। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स ने प्रदेश के अंदर इस दौरान अच्छा काम किया। 60,62,000 से अधिक जो वाद थे उसका निस्तारण किया। 54,000 हेक्टेयर से अधिक लैंड को भूमाफियाओं के कब्जे से मुक्त कराने में हमें सफलता प्राप्त हुई। और ये भूमाफियाओं के कब्जे से छुड़ाई गई भूमि, ये हमारे लिए प्रदेश के अंदर निवेश के लिए एक लैंड बैंक का भी काम की, लेकिन साथ साथ यह उन गरीब परिवारों को जिनके पास अभी तक अपना आवास बनाने के लिए कोई भूमि नहीं थी, उन्हें भूमि का पट्टा वहां पर उपलब्ध कराने में भी हमें मदद मिली। प्रधानमंत्री जी की प्रधानमंत्री स्वामित्व योजना के माध्यम से प्रदेश के अंदर 2,00,000 से अधिक भू स्वामियों को उनकी जिस जमीन पर उनका मकान है उसका स्वामित्व के कागजात भी उन्हें उपलब्ध कराने में सफलता प्राप्त हुई। तो वरासत अभियान के माध्यम से भी 8,87,000 से अधिक ऐसे प्रकरण थे जिसके माध्यम से हम लोगों ने प्रदेश के अंदर सफलता प्राप्त की और सफलतापूर्वक इन सभी समस्याओं का समाधान करने में भी प्रदेश सरकार को सफलता प्राप्त हुई। मित्रों, ये वही प्रदेश है जहां पर कोई निवेशक निवेश नहीं करना चाहता था। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि पिछले 4 वर्ष के दौरान प्रदेश के अंदर 3,00,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रदेश के अंदर हुआ। 35,00,000 से अधिक प्रदेश के युवाओं को सीधे सीधे इससे नौकरी यहां पर उपलब्ध हुई। ये प्रदेश के अंदर निवेश की उन संभावनाओं को आगे बढ़ाता दिखाता है जो प्रदेश ने 2017 प्रदेश में सरकार आने के तत्काल बाद हम लोगों ने 21 अपनी सेक्टोरियल पॉलिसीज के माध्यम से जो कार्य प्रारंभ किए थे, निवेश मित्र पोर्टल जिसमें हम लोगों ने 227 सेवाएं इसमें दी थी, और कोरोना कालखंड के अंदर हम लोगों ने एमएसएमई यूनिट के लिए एक नई नीति अपनी लागू की जिसमें 72 घंटे के अंदर लाइसेंस स्वीकृति देने के साथ ही 1,000 दिनों तक लाइसेंस फ्री व्यवस्था देने की व्यवस्था, नहीं 1,000 दिवस के लिए किसी भी प्रकार का कोई निरीक्षण उस उद्योग के लिए नहीं होगा, बल्कि वह उद्योग लगाए 1,000 दिन के अंदर अपना आवेदन करके फिर इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा सकता है। और यह परिणाम रहा है कि आज प्रदेश के अंदर व्यापक पैमाने पर निवेश भी हुआ है, रोजगार की संभावनाएं भी आगे बढ़ी हैं। और खासतौर पर कोरोना कालखंड के अंदर जो चीजें देखने को मिली हैं, खास इस दौरान लगभग 56,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश प्रदेश के अंदर हुआ है, जिसमें देश का पहला डिस्प्ले यूनिट उत्तर प्रदेश के अंदर लग रहा है, उत्तर भारत का पहला डाटा सेंटर पार्क भी उत्तर प्रदेश के अंदर ही स्थापित हो रहा है, और अन्य तमाम योजनाएं भी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर इस दौरान लाने में सफलता प्राप्त हुई। खासतौर पर आइकिया का, जो फर्नीचर और हाउस होल्ड से जुड़ी हुई दुनिया की जो प्रख्यात कंपनी है, उसका निवेश भी इस दौरान उत्तर प्रदेश के अंदर देखने को मिला है प्रदेश के अंदर। इसके साथ ही हमारी परंपरागत उद्यम को प्रोत्साहित करने की एक जनपद एक उत्पाद की जो योजना है, आज वह देश और दुनिया के अंदर बहुत लोकप्रिय हुई है। इसने परंपरागत उद्यम को एक नई उड़ान दी है, एक नई पहचान दी है। इसने प्रदेश के एक्सपोर्ट को बढ़ाने में भी काफी मदद की है, और आज इसका परिणाम है कि प्रदेश के अंदर जो हम लोगों ने इस क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किए, उद्यम सारथी ऐप प्रदेश के अंदर लॉन्च किया गया, इसके माध्यम से विभिन्न रोजगार पर कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने का कार्य बनाया गया, और
इसका परिणाम था कि प्रदेश के अंदर 50 लाख से अधिक नए एमएसएमई इकाइयों की स्थापना हुई, 2,13,000 करोड़ रुपए से अधिक का बैंक से ऋण उपलब्ध करवाने में हमें इसके माध्यम से मदद मिली और 1,80,00,000 से अधिक रोजगार का सृजन केवल इन एमएसएमई यूनिट के माध्यम से हमें प्रदेश के अंदर इसके माध्यम से प्राप्त हुई। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के अंतर्गत भी 12,91,000 इकाइयों को 42,700 करोड़ रुपए के ऋण उपलब्ध करवाने में कोरोना कालखंड के दौरान ही हमें मदद मिली और इसके माध्यम से प्रदेश में 1,14,000 करोड़ रुपए से अधिक के जो निर्यात की संभावनाओं को यानी इस इसने हमारी निर्यात की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का कार्य भी किया और प्रदेश के अंदर उन संभावनाओं को आगे बढ़ाया है जिसके लिए कभी प्रदेश जाना जाता था। प्रदेश के अंदर ग्रामीण क्षेत्र के विकास के साथ ही शहरी क्षेत्रों के विकास में भी जो एक बुनियादी सुविधाओं के लिए शहरी जीवन के लिए एक आम नागरिक तरसता है वहां पर उस प्रकार की सुविधाएं उसे कैसे प्राप्त हो। हम लोग आभारी हैं भारत सरकार के जिसमें प्रदेश के 10 शहरों को स्मार्ट सिटी के रूप में चयन किया और 60 शहरों को अमृत योजना के अंतर्गत बुनियादी सुविधाओं से आच्छादित करने के लिए इनका चयन भारत सरकार ने किया था। लेकिन प्रदेश सरकार ने भी अपने संसाधनों से जो हमारे 17 नगर निगम हैं जिसमें से 7 स्मार्ट सिटी के अंतर्गत भारत सरकार की योजना के लिए चयनित हुए थे से 7 को प्रदेश राज्य सरकार अपने संसाधनों से स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने का कार्य कर रही है और साथ साथ जो हमारे नगर निकाय हैं उन नगर निकायों को भी हम लोगों ने एक व्यापक कार्य योजना उनके लिए भी तैयार की है जिसके माध्यम से हम लोग जनता को बुनियादी सुविधाओं को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकेंगे। नमामि गंगे परियोजना उत्तर प्रदेश का सौभाग्य है कि गंगा मैया उत्तर प्रदेश के अंदर सर्वाधिक दूरी तय करती है। अपने 2500 किलोमीटर की गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक मां गंगा की जो अविरल और निर्मल यात्रा है इसमें से 1000 किलोमीटर की दूरी केवल उत्तर प्रदेश के अंदर गंगा मैया तय करती है। आज आप प्रदेश के अंदर कानपुर में प्रयागराज में या वाराणसी में ये हमारे वे सेंटर हैं या गढ़मुक्तेश्वर में ये वे केंद्र हैं जहां पर लोग आस्था के साथ भी और अपने औद्योगिक विकास के दृश्य भी जब उन क्षेत्रों का भ्रमण करते हैं तो बरबस उनके सामने मां गंगा का दृश्य सामने होता है। याद करिए नमामि गंगे परियोजना के पहले कानपुर सबसे क्रिटिकल पॉइंट था नमामि गंगे परियोजना का अविरल और निर्मल गंगा का। कानपुर में किस प्रकार की स्थिति थी, अकेले कानपुर के एक स्थान पर ही 14 करोड़ लीटर सीवर गिरता था, आज वहां पर एक बूंद भी सीवर नहीं गिरता है। यही नहीं कानपुर के नीचे आने पर आप जब कानपुर के नीचे प्रयागराज की तरफ जाते थे जलीय जीव पूरी तरह नष्ट हो गए थे, आज फिर से वहां पर जलीय जीव देखने को मिल सकते हैं और गंगा जिस डॉल्फिन के कारण विख्यात हुई थी डॉल्फिन के दर्शन फिर से हमें गंगा की निर्मल धारा के साथ देखने को मिल सकता है। प्रयागराज कुंभ इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है क्योंकि प्रयागराज कुंभ ने व्यवस्था सुरक्षा और स्वच्छता का एक मानक वैश्विक मंच पर कुंभ जैसे आयोजन के माध्यम से रखा था। इसके पीछे आदरणीय प्रधानमंत्री जी की सोच तो थी, उनका मार्गदर्शन भी था, लेकिन साथ साथ गंगा की नमामि गंगे परियोजना की सफलता भी इस आयोजन के साथ जुड़ी हुई थी। गंगा की निर्मल जल की धारा ने प्रयागराज कुंभ को और एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने में बहुत बड़ी मदद की थी और यह कार्य सफलतापूर्वक हम लोगों ने उस अवसर पर किया। गंगा केवल हमारी आस्था का ही नहीं बल्कि अर्थव्यवस्था का भी आधार है। आज देश का पहला जो जल मार्ग है वह उत्तर प्रदेश के अंदर हल्दिया से वाराणसी तक बनकर के तैयार हो चुका है और इसमें कोरोना कालखंड के अंदर बहुत सारी चीजों को प्रदेश के अंदर खाद्यान्न सब्जी फल आदि को एक्सपोर्ट करने का उपयोग हम लोगों ने इस जलमार्ग का किया था। प्रयागराज तक इस मार्ग को बढ़ाने की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है और इसके बहुत अच्छे और सार्थक परिणाम बहुत जल्दी सामने आएंगे। लेकिन साथ साथ पहली बार
गंगा यात्रा का आयोजन भी प्रदेश के अंदर हो और ये यात्रा आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी एक नई ऊंचाई दे सके, इस दिशा में इस पर कार्य हुआ था और विगत वर्ष इसको हमारी सरकार ने सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर आयोजित किया। देश के अंदर गरीब शासन के एजेंडे का हिस्सा हो सकता है, ये नारों तक तो सीमित था, हकीकत क्या थी? 2017 के पहले प्रदेश के अंदर कई जनपदों में भूख से मौत के उदाहरण सामने आते थे, राशन कार्ड नहीं थे, खाद्यान्न घोटाले की शिकायत मिलती थी, टेक्नोलॉजी को इसके साथ जोड़ने का प्रयास नहीं होता था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के सभी 80,000 राशन की दुकानें हम लोगों ने ई पॉस मशीन के साथ जोड़ी है और प्रदेश के अंदर नेशनल पोर्टेबिलिटी के साथ जोड़ने के साथ उत्तर प्रदेश का कोई भी नागरिक जिसने उत्तर प्रदेश के अंदर राशन कार्ड बनाया है वह नेशनल पोर्टेबिलिटी के माध्यम से देश के अंदर किसी भी अन्य राज्य में जाकर के वहां राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर सकता है। ई पॉस मशीन और नेशनल पोर्टेबिलिटी के माध्यम से प्रदेश ने इस तकनीक का उपयोग करके 1200 करोड़ रुपए की राजस्व की सालाना बचत भी की है। यही चीजें बताती है कि 1200 करोड़ रुपए कहीं ना कहीं ये बेमानी और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाते थे, आज सरकार ने इसका लाभ भी प्राप्त किया है। प्रदेश 80 लाख स्ट्रीट लाइट को भी एलईडी स्ट्रीट लाइट में बदलने वाला राज्य है, इसके माध्यम से भी व्यापक पैमाने पर कार्बन उत्सर्जन के साथ साथ हमें जो ऊर्जा की बचत इसके माध्यम से हुई है यह अलग है। ई टेंडरिंग को लागू करने वाला, प्रभावी ढंग से लागू करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश है और इसके माध्यम से भी प्रदेश ने भारी सफलता प्राप्त की है, जहां हरेक क्षेत्र में प्रदेश ने नई नई सफलताएं अर्जित की इन चार वर्षों में। शिक्षा के क्षेत्र में भी आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। प्रदेश के अंदर 2017 के पहले नकल के अड्डे हमारे माध्यमिक और उच्च शिक्षा के केंद्र बने हुए थे, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर नकल विहीन परीक्षा का एक नया मानक खड़ा हुआ है। दूसरा, बेसिक शिक्षा परिषद, माध्यमिक शिक्षा परिषद, उच्च शिक्षा में शिक्षा के क्षेत्र में जो व्यापक परिवर्तन किए वह उन स्कूलों में और उन क्षेत्रों में हुए परिवर्तन के माध्यम से देखा जा सकता है। अकेले बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूलों में चार वर्ष के दौरान 54 लाख से अधिक बच्चे इसमें प्रवेश किए। प्रदेश सरकार ने ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से 1.25 लाख से अधिक विद्यालयों में बुनियादी सुविधाएं से आच्छादित उन्हें किया, वहां पे फ्लोरिंग की व्यवस्था, फर्नीचर की व्यवस्था, बालक बालिकाओं के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था या अन्य बुनियादी सुविधाओं के साथ साथ अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराने के साथ ही स्मार्ट क्लासेस भी वहां पर देने में सफलता प्राप्त की। माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में भी व्यापक परिवर्तन हुए, एनसीईआरटी का पाठ्यक्रम वहां लागू करने में मदद मिली। उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी जहां पर व्यापक परिवर्तन करने के साथ ही 3 नए विश्वविद्यालय सहारनपुर, अलीगढ़ और आजमगढ़ में बनाने का मार्ग प्रशस्त हुआ, तो प्रदेश के अंदर निजी विश्वविद्यालयों की स्थापना का कार्य संपन्न हो सके, इसके लिए भी प्रदेश सरकार ने बहुत अच्छी सफलता प्राप्त की है और यह कार्य हमारा बहुत अच्छे ढंग से आगे बढ़ रहा है। प्रदेश के प्रतियोगी छात्रों के लिए हम एक मंच दे सकें, प्रदेश सरकार ने अभी हमने कोरोना कालखंड के अंदर देखा था, बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे थे जो राज्य के बाहर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने के लिए गए थे। लॉकडाउन के बाद जब उनके सामने संकट आया तो राज्य सरकार को फिर उन्हें सुरक्षित वापस लाने की आवश्यकता महसूस हुई, उनको उनके घरों तक पहुंचाने का काम किया। मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 18 लाख से अधिक बच्चे इस समय मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के साथ फिजिकली और वर्चुअली जुड़ चुके हैं, जिसमें उन्हें विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं के साथ साथ उन्हें जुड़ने का, उसकी तैयारी करने के लिए एक अच्छा मंच उन्हें उपलब्ध हुआ है और वह उसके माध्यम से आगे अपने उज्जवल भविष्य के साथ जुड़ सकते हैं और एक कार्य आगे बढ़ा है। इस दौरान प्रदेश सरकार ने पिछले 4 वर्ष के अंदर
श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम पर चिकित्सा विश्वविद्यालय की स्थापना लखनऊ में, मेरठ में स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय, प्रयागराज में विधि विश्वविद्यालय और गोरखपुर में आयुष विश्वविद्यालय की स्थापना की कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया है। प्रदेश के अंदर एक फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना का कार्य लखनऊ में हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। 51 नए राजकीय महाविद्यालयों, 24 राजकीय पॉलिटेक्निक, 4 राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेजेस और लगभग 260 आईटीआई की स्थापना के कार्य को भी प्रदेश सरकार ने प्राथमिकता के आधार पर इस दौरान आगे बढ़ाने का कार्य किया। तो श्रमिकों के बच्चों के लिए, जो रजिस्टर्ड श्रमिक हैं उनके लिए 18 अटल आवासीय विद्यालय हर एक कमिश्नरी मुख्यालयों में स्थापित हो सके, जहां पर, क्योंकि रजिस्टर्ड श्रमिक अलग अलग समय में अलग अलग जगह काम करते हैं और उससे सबसे ज्यादा सफर उनके बच्चे करते थे, राज्य सरकार ने उनके व्यवस्थित अच्छी शिक्षा के लिए 18 कमिश्नरी मुख्यालयों में 18 अटल आवासीय विद्यालयों के माध्यम से उनकी शिक्षा दीक्षा की पूरी व्यवस्था और उत्तम शिक्षा की व्यवस्था उनके लिए करने के लिए व्यवस्था लागू की है। मित्रों, स्वास्थ्य क्षेत्र में जो कार्य हुए हैं, कोरोना प्रबंधन का कार्य आप सबके सामने है। जो उत्तर प्रदेश हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में सबसे कमजोर माना जाता था, देश के अंदर सबसे बड़ी आबादी के बावजूद कोरोना के एक वर्ष के इस कालखंड के दौरान आप सबने इस बात को महसूस किया होगा कि उत्तर प्रदेश का प्रबंधन बेहतरीन रहा है। इसकी प्रशंसा वैश्विक संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी इसकी प्रशंसा की। कोरोना प्रबंधन में हम लोग सफल रहे क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन इस दिशा में प्राप्त होता था। लेकिन 4 वर्ष पहले जो नींव हम लोगों ने प्रदेश के अंदर रखी, मुझे आश्चर्य होता है 1947 से 2016-17 तक प्रदेश के अंदर केवल 12 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज बन पाए थे और 2016-17 से 2020-21 के बीच में वर्तमान में प्रदेश 30 नए मेडिकल कॉलेज की स्थापना प्रदेश के अंदर वर्तमान में हो रही है। 2 एम्स जो संचालित हो चुके हैं, गोरखपुर में, दूसरा रायबरेली में, ये दोनों ओपीडी के साथ साथ वहां पर यूजी की क्लासेस वहां पे प्रारंभ हो चुकी हैं। ये प्रदेश के अंदर ये वे कार्य हैं जिसमें कोरोना प्रबंधन के साथ साथ हम लोगों ने इंसेफ्लाइटिस की रोकथाम करने के लिए भी जो कार्य किया है। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि 38 जनपद प्रदेश के ऐसे थे जहां पर इंसेफ्लाइटिस से व्यापक पैमाने पर मौत होती थी। 1200-1500 मौतें केवल 1-2 मेडिकल कॉलेज और चिकित्सालयों में ही हो जाती थी और जो लोग घर से वहां नहीं पहुंच पाते थे उनकी संख्या अलग थी। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश सरकार ने अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इंसेफ्लाइटिस में बीमारी पे 75% और मौत के आंकड़ों में 95% नियंत्रण प्राप्त करने में सफलता प्राप्त की। स्वास्थ्य के प्रति व्यापक जागरूकता के लिए हर रविवार को प्रदेश के अंदर हर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में मुख्यमंत्री आरोग्य मेलों का आयोजन हो रहा है जिसमें लाखों की संख्या में प्रदेशवासी उससे लाभ ले रहे हैं, न केवल स्वास्थ्य की सुविधा का बल्कि केंद्र और प्रदेश सरकार की स्वास्थ्य संबंधी विभिन्न प्रकार की योजनाओं, पोषण से जुड़ी हुई योजनाओं का लाभ भी इसके माध्यम से लेने में सफलता प्राप्त हो रही है। आयुष्मान भारत योजना, मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के दायरे को बढ़ाने का भी निर्णय प्रदेश सरकार ने किया है। हर किसान परिवार को, हर संगठित और असंगठित क्षेत्र के मजदूरों को भी इस योजना से आच्छादित करने की कार्रवाई प्रदेश के अंदर बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ है। मित्रों, प्रदेश के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, उत्तर प्रदेश 1947 से 2016 तक केवल 2 एक्सप्रेसवे बना पाया था और 4 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार 5 नए एक्सप्रेसवे के साथ आज कनेक्टिविटी के लिए बेहतरीन मंच उपलब्ध करा रहा है। 2017 तक प्रदेश के अंदर एयर कनेक्टिविटी 2 हमारे एयरपोर्ट कनेक्टेड थे, एक लखनऊ का, दूसरा वाराणसी का। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है प्रयागराज
गोरखपुर, कानपुर, आगरा, बरेली, हिंडन, ये सभी एयरपोर्ट वायु सेवा के साथ जुड़ चुके हैं। इसके साथ ही 3 नए इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थापना का कार्य प्रदेश के अंदर चल रहा है। कुशीनगर में इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कार्य अंतिम यानी पूरा लगभग पूरा हो चुका है, बहुत शीघ्र वहां पर अंतर्राष्ट्रीय विमान सेवाएं प्रारंभ होंगी। जेवर गौतम बुद्ध नगर में एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट राज्य सरकार बनाने जा रही है और अयोध्या में भी एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई युद्ध स्तर पर चल रही है। लेकिन इसके साथ ही 17 नए एयरपोर्ट के निर्माण की कार्रवाई प्रदेश सरकार अलग अलग स्थानों पर कर रही है, जिसमें प्रदेश के अंदर सहारनपुर है, मेरठ, अलीगढ़, मुरादाबाद, आजमगढ़, श्रावस्ती, चित्रकूट, सोनभद्र, यानी ये सभी क्षेत्र हैं जहां के बारे में कोई सोचता नहीं था, वहां भी हम इन सभी आपके ललितपुर ये सभी क्षेत्रों में बेहतरीन वायु सेवा की सुविधा उपलब्ध कराने का कार्य किया जा रहा है। 2017 के पहले तक प्रदेश में एक भी शहर हमारा मेट्रो से नहीं जुड़ा था। आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर राजधानी लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा ये मेट्रो की सुविधा से आच्छादित है। कानपुर और आगरा में मेट्रो का कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है और इस वर्ष के अंत तक वहां पे प्रथम चरण का कार्य फेज फर्स्ट का कार्य संपन्न हो जाएगा। ये कार्य प्रदेश के अंदर तेजी के साथ चल रहे हैं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे इसी वर्ष हम लोग जनता को समर्पित करेंगे। यहाँ पे सामान्य वायु वहां पर सेवाएं हम लोग सुविधाएं उपलब्ध करवाएंगे। गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य भूमि अधिग्रहण की कार्रवाई अंतिम चरणों में चल रही है और बहुत तेजी के साथ इस पे कार्य चल रहा है। प्रदेश के अंदर बेहतरीन कनेक्टिविटी के लिए भी जो कार्य अलग अलग सेक्टर में हुए हैं ये आप सबके सामने हैं और इन सभी सुविधाओं का लाभ प्रदेश के अंदर लिया जा रहा है। महिला कल्याण के लिए प्रदेश सरकार ने विशेष अभियान प्रारंभ किया, खासतौर पर मिशन शक्ति का हमारा अभियान, जिसमें हम लोगों ने हर थाना में महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की, हर एक तहसील में भी महिला हेल्प डेस्क की स्थापना इस दौरान की गई। बालिका के जन्म लेने से लेकर के और उसके बालिक होने तक शासन की अलग अलग योजनाओं से इसे आच्छादित करने की कार्रवाई संपन्न की गई। मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला की योजना, जिसमें 6 अलग अलग चरणों में 15,000 रुपये का एक पैकेज एक बालिका को उपलब्ध कराने की व्यवस्था हो। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह की योजना, अब तक 1,52,000 से अधिक बालिकाओं का इसमें राज्य सरकार के द्वारा 51,000 रुपये की सहायता उन परिवारों को उपलब्ध कराई जाती है, यह सुविधा उपलब्ध कराई गई। 6,94,000 बालिकाओं को अब तक कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से लाभान्वित किया गया, तो ग्रामीण क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में भी महिलाओं का योगदान जो सर्वविदित है उस पर भी सरकार ने कार्य करना प्रारंभ किया। हर ग्राम पंचायत में एक एक बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट सखी की तैनाती करने की कार्रवाई, या फिर ग्रामीण क्षेत्र में राशन कोटे की दुकान जहां पर विवादित हो जाती है वहां पर महिला स्वयं सेवी समूह को इसकी जिम्मेदारी उनको दे देना, या पोषण मिशन जो हमेशा विवादित रहा, इस पूरे मिशन को राज्य उत्तर प्रदेश पहला राज्य है जिसने यह निर्णय लिया कि प्रदेश के अंदर पोषण मिशन का कार्य महिला स्वयंसेवी समूह कर संभालेंगे और इस कार्य को भी प्रदेश के अंदर लागू करने की कार्रवाई प्रदेश के अंदर लागू किया गया। हम लोगों ने 2019 में झांसी में बनीनी मिल्क प्रोड्यूसर की स्थापना की थी। भारत सरकार के सहयोग से संचालित यह संस्था आज वहां पर महिला सशक्तिकरण का एक प्रतीक बना है। एक वर्ष में 46 करोड़ का टर्नओवर और 2 करोड़ का नेट प्रॉफिट कमाने वाली यह संस्था, इसी तर्ज पर प्रदेश के अंदर मुख्यमंत्री महिला सामर्थ्य योजना लागू करने की कार्रवाई प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुई है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है ये कार्य तेजी के साथ आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश के अंदर पेंशन सुविधा का लाभ भी प्रदेश के अंदर हरेक तबके को देने का कार्य हुआ और कितना इस फील्ड में हम लोगों ने परिवर्तन करके दिखाया है,
यह एक मानक बन सकता है, खासतौर पर वृद्धावस्था पेंशन हो या निराश्रित महिला पेंशन या दिव्यांगजन पेंशन, इसमें व्यापक परिवर्तन देखने को मिले हैं। खासतौर पर अगर निराश्रित महिला पेंशन 2016-17 में कुल 17,31,000 इसके लाभार्थी थे, आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि प्रदेश के अंदर इस समय 27,95,000 इसके लाभार्थी वर्तमान में केवल निराश्रित महिला पेंशन के माध्यम से लाभान्वित हो रहे हैं। वृद्धावस्था पेंशन 2016-17 में कुल 37 लाख लोगों को यह सुविधा मिलती थी, आज 2021 में ये 52 लाख वृद्धजनों को ये पेंशन की सुविधा का लाभ हम उपलब्ध करा रहे हैं। दिव्यांगजन पेंशन 2016-17 में केवल 8,75,000 दिव्यांगजनों को यह सुविधा मिलती थी, आज 2021 में हम 11,20,000 से अधिक दिव्यांगजनों को इस सुविधा का लाभ दे रहे हैं। इसमें राशि भी बढ़ाई गई, दिव्यांगजन में 300 से 500 रुपये राशि की गई, वृद्धावस्था पेंशन में 400 से 500 रुपये राशि की गई। और इसके साथ ही प्रदेश के अंदर स्कॉलरशिप 2016-17 में केवल 50 लाख बच्चों को स्कॉलरशिप, अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी के 50 लाख बच्चों को ये सुविधा मिल पाती थी, आज 65 लाख बच्चों को इस सुविधा से लाभान्वित करने का कार्य प्रदेश के अंदर किया जा रहा है। ये पेंशन के साथ ही प्रदेश के अंदर पर्यटन और संस्कृति के क्षेत्र में भी बहुत बड़े कार्य प्रदेश के अंदर हुए हैं। 2016-17 में प्रदेश पर्यटन की दृष्टि से तीसरे नंबर पर था देश के अंदर, आबादी में सबसे पहले स्थान पर हम थे, लेकिन पर्यटन की सुविधाएं विकसित न होने के नाते, उधर अपेक्षित ध्यान में दिए जाने के नाते, इसके कोई अपेक्षित लाभ प्रदेश को नहीं मिल पाता था। पर्यटन हमारे लिए केवल एक सामान्य लोक आय आवागमन के माध्यम नहीं है, बल्कि यह रोजगार सृजन के भी माध्यम है। प्रयागराज कुंभ ने उसका एक बहुत बड़ा आधार प्रस्तुत किया, और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है उत्तर प्रदेश धार्मिक पर्यटन में देश में नंबर एक पर फिर से आ चुका है। प्रदेश इस दौरान अनेक अन्य सुविधाओं को प्रदेश कर, चाहे वो प्रयागराज कुंभ हो, इस दौरान पिछले 4 वर्ष के अंदर जो विभिन्न प्रकार के आयोजन, यूपी इन्वेस्टर समिट का आयोजन, प्रदेश के अंदर प्रवासी भारतीय दिवस का आयोजन, प्रदेश के अंदर हम लोगों ने इस दौरान प्रयागराज कुंभ का सफलतापूर्वक आयोजन करने, प्रदेश के अंदर युवा महोत्सव के सफलतापूर्वक आयोजन का श्रेय, या फिर विधानमंडल की 3-3 विशेष सम्मेलन आयोजित करने की कार्रवाई हो, जहां ये कार्य सफलतापूर्वक संपन्न हुए हैं। कोरोना काल खंड के अंदर अयोध्या में मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के भव्य मंदिर के कार्य को आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से शुभारंभ होना, यह भी प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है कि वर्षों से जन आस्था का सम्मान करने के समय जो एक आम जन की आवाज थी, उस आवाज को एक मान्यता मिली, और हम आभारी हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने समय देकर के जहां इस कार्य को आगे बढ़ाया, वहीं काशी में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के माध्यम से काशी को एक नई पहचान दिलाने की कार्रवाई, उसके पुरातन काया को नए कलेवर के रूप में वैश्विक मंच पर स्थापित करने की कार्य योजना हो, या मिर्जापुर में विंध्यवासिनी धाम को एक नए स्वरूप में देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत करने का कार्य, अयोध्या को दीपोत्सव हो या बरसाना का रंगोत्सव का कार्यक्रम, काशी का देव दीपावली का कार्यक्रम हो, या फिर प्रदेश के अंदर तमाम उन स्थलों में, चाहे वह हेरिटेज टूरिज्म का हो या इको टूरिज्म की संभावनाओं को आगे बढ़ाने का है, ये सभी बहुत सारे क्षेत्रों में कार्यक्रम हो रहे हैं। हम लोगों ने प्रदेश के अंदर 4 फरवरी से चोरी चोरा महोत्सव के आयोजन को आगे बढ़ाया है, और यह वर्ष इस वर्ष में देश की आजादी का अमृत महोत्सव भी प्रारंभ हो रहा है। ये प्रारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी के करकमलों से 11 मार्च को इसका शुभारंभ हो चुका है, और ये कार्यक्रम हमारे निरंतर आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, और इन कार्यक्रमों के माध्यम से देश के उन सभी अमर शहीदों के प्रति जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर किया था, उन सभी के प्रति हमारी विनम्र श्रद्धांजलि उन सभी के प्रति है। तो देश की आजादी के बाद देश की सीमाओं पर भारत की
रक्षा करते हुए अपने आप को बलिदान करने वाले भारत के बहादुर जवानों के प्रति भी देश का नमन है और इसमें उत्तर प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मित्रों, प्रदेश में विगत 4 वर्ष के दौरान हर एक फील्ड में कुछ ना कुछ बेहतर करने का प्रयास किया, चाहे वह किसानों के लिए हो, महिलाओं के लिए हो या फिर नौजवानों के लिए हो। प्रदेश के अंदर निजी क्षेत्र के साथ साथ सरकारी क्षेत्र में 4 लाख से अधिक नौकरी और पारदर्शी तरीके से इन नौकरियों को प्रदेश के नौजवानों को उपलब्ध कराने में प्रदेश सरकार ने सफलता प्राप्त की। रोजगार और स्वरोजगार की व्यापक संभावनाओं को भी आगे बढ़ाने का कार्य प्रदेश सरकार ने इस दौरान पूरी सफलता के साथ प्रदेश के अंदर लागू किया है। प्रदेश के अंदर हर एक सेक्टर ने व्यापक परिवर्तन किया है और आज मैं कह सकता हूं कि जब 4 वर्ष का कार्यकाल आज हमारी सरकार का पूरा हुआ है तो 4 वर्ष के कार्यकाल प्रदेश को अब बीमारू राज्य की श्रेणी से उभार करके एक सक्षम और समर्थ राज्य के रूप में आगे बढ़ाने और देश की एक बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करने के ये 4 वर्ष के कार्य 4 वर्षों का यह कालखंड रहा है। मुझे प्रसन्नता है कि 4 वर्ष के दौरान प्रदेश सरकार की सभी प्रकार की योजनाओं को आम जन तक पहुंचाने में आप सभी मित्रों ने जो सकारात्मक सहयोग किया है वह न केवल 4 वर्ष के दौरान हर एक योजना को, इसमें सरकार की अपनी भूमिका होती है, प्रशासन की अपनी सीमाएं होती हैं, संगठन के कार्यकर्ता उन्हें उन लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं, लेकिन वही बातें जब मीडिया के माध्यम से आम जन तक पहुंचती है तो हर पक्ष उसका अवलोकन करता हुआ दिखाई देता है। एक सकारात्मक भाव के साथ प्रदेश के प्रति आप सभी ने प्रदेश के अंदर एक प्रत्येक जन के मन में जो एक सकारात्मक भाव पैदा करने का प्रयास किया है, मैं इसके लिए आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। प्रदेशवासियों को 4 वर्ष की इस यात्रा में सहभागी बनने के लिए उन सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, आदरणीय गृह मंत्री जी का, केंद्रीय मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करते हुए अपने सभी सहयोगी मंत्रियों, जनप्रतिनिधियों, संगठन के पदाधिकारियों का भी मैं इस अवसर पर हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं और 4 वर्ष की मंगलमय शुभकामनाएं सबके प्रति देते हुए विश्वास करता हूं कि हम सब मिलकर के प्रदेश को उन ऊंचाइयों तक पहुंचाएंगे जहां उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित होगी, क्योंकि उन संभावनाओं के रास्ते प्रदेश सरकार ने तैयार किए हैं और मुझे लगता है कि अब उसमें थोड़ी और प्रयास करके हम लोग उस लक्ष्य को प्राप्त करने में सफल होंगे। मैं एक बार फिर से आप सबके सकारात्मक सहयोग के लिए आप सभी को हृदय से साधुवाद देता हूं, हृदय से बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।